जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्लास 11 केमिस्ट्री की क्लास में चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना। आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपन ने उसमें थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ नए शब्दों के बारे में पता लगा। एक परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या के बारे में हमें ये दो शब्दावली हमें नहीं देखने को मिली, जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें पता नहीं थी। तो हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे और उससे आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू में करेंगे। तो अपनी आज की हेडिंग रहेगी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, जिसको जेड से डिनोट किया जाता है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को जेड से डिनोट किया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन एक धन आवेश कण होता है। प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की परमाणु क्रमांक कहलाता है या कहलाती है। यदि एक उदासीन परमाणु की बात करी जाए, जिसकी परमाणु क्रमांक जेड बराबर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, और उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू पी और पी इज इक्वल टू ई, जहां पी जो है वो प्रोटॉन है और ई जो है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने के उतने क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये उदासीन परमाणु में जेड इज इक्वल टू पी और इक्वल टू ई ये पता लगा सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या जिसको कहते हैं एटॉमिक मास और जिसको डिनोट किया जाता है ए से। द्रव्यमान संख्या को ए से लिखा जाता है, कैपिटल ए से इसको लिखा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। अर्थात ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन। तो यहां से क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बराबर ई प्लस एन भी हो सकता है, क्योंकि जितनी संख्या प्रोटॉनों की है उतनी संख्या किसकी है, न्यूट्रॉनों की है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए बराबर जेड प्लस एन, क्योंकि जेड बराबर होता है पी बराबर ई। तो ये तीनों में से कोई सा भी एक डाटा हम लिख सकते हैं। तो यहां हमने पढ़ लिया द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का जो योग है वो क्या कहलाता है, हमारे पास में द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी तत्व को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो माना कोई तत्व जो एक्स है, तो जो उसके परमाणु क्रमांक होते हैं उसको नीचे की तरफ लिखा जाता है और द्रव्यमान संख्या जो होती है उसको ऊपर की तरफ लिखा जाता है, और दोनों को मॉलिक्यूल के लेफ्ट हैंड साइड का शो किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको शो कर
संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या जो होती है वही परमाणु भार भी होता है। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों सेम चीज होती है, एक ही चीज होती है। अब यहां से अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, उससे हमें इसके बारे में और ज्यादा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक कह दो चाहे परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट किया जाता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की जो संख्या है वो परमाणु क्रमांक कहलाता है। उदासीन परमाणु के लिए प्रोटोनों की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात जेड परमाणु क्रमांक बराबर पी प्लस ई, सॉरी पी इक्वल टू ई के बराबर होता है। अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का जो योग है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, अर्थात a बराबर p प्लस n कह दो या a बराबर e प्लस n कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं a बराबर z प्लस n। और एक चीज अपने नोट करके लिखी कि द्रव्यमान संख्या ही उसका परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास सेम टू सेम चीज होती है। अब अपन करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30, क्वेश्चन है एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 तथा प्रोटोनों की संख्या 26 है तो द्रव्यमान संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है द्रव्यमान संख्या तथा दूसरा है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। गिवन डाटा क्या क्या हमारे पास है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या n, न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं 30, p प्रोटॉन कितने दे रखे हैं 26, निकालना क्या है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या a बराबर होता है p प्लस n, जहां p हमारे पास में है 30 प्लस n हमारे पास में है 26, तो कुल संख्या हमारे पास में कितनी आ गई 56। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। दूसरा रहता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या हमें कितनी गिवन है 26, तो e का मान हमारे पास में क्या आ गया 26 आ गया। तो साथ में इस प्रकार से यदि हमें इन संख्याओं के बारे में, इन सूत्रों के बारे में पता है, तो हम आसानी से प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इन चारों पांचों में से कोई सा भी डाटा यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम बेहद ही आसानी से इसको डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में, जहां से हमें बहुत सारे नए शब्दावली के बारे में पता चलेगा, तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ेंगे हम, आयाम के बारे में पढ़ेंगे, आवर्ति के बारे में पढ़ेंगे, आवर्त काल के बारे में पढ़ेंगे, श्रृंग क्या है, गर्त क्या है, आवर्त काल क्या होता है, एक श्रृंग से एक गर्त के बीच की दूरी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इन सब के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का, एक प्रोटॉन के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 30 और प्रोटॉनों की संख्या 26 है, तो हमें ज्ञात करना था द्रव्यमान संख्या जिसको कहते हैं a और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दो चीज हमें पता लगानी थी, तो दोनों के दोनों संख्याएं हमने यहां से निकाल दी। अगर हमें पूछ लिया जाए, यदि हमें पूछ लिया जाए कि उसके परमाणु का क्रमांक कितना होगा, यदि हमसे तीसरे क्वेश्चन ये पूछा जाए परमाणु क्रमांक
बताइए प्रमाण को प्रमाण। यदि ये भी हमसे पूछा जाए प्रमाण प्रमाण का मतलब होता है जेड। यदि जेड के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम बता सकते हैं जेड इक्वल टू होता है पी, तो जेड का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, अर्थात प्रमाण प्रमाण उसका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये संख्या भी हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।